मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर कई दिनों तक सस्पेंस बना रहा, जिस पर से पर्दा उठा तो मोहन यादव को पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य की महिलाओं के बीच काफी प्रचलित रहे। लाडली बहना जैसी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की वजह से शिवराज को प्रदेश की बहनों और बेटियों से खूब प्यार भी मिला। राज्य की जनता उन्हें मामा कहकर बुलाती। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एमपी के मामा की तरह मोहन यादव भी बहनों के लाडले हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। वो अपने इलाके की बहनों के भी दुलारे हैं। राजनीति में भावनाओं का इस्तेमाल होता रहा है। प्रदेश में जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना से बहनों को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं नए सीएम भी इस मामले में कम नहीं हैं। 10 सालों से वे अपने विधानसभा क्षेत्र की 20,000 बहनों से राखी बनवा रहे हैं। यानी राजनीति के साथ साथ पारिवारिक रिश्ता जोड़ना मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भली भांति आता है। मोहन यादव ने बुधवार 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब शिवराज की जगह मोहन यादव के नाम का सीएम पद के लिए ऐलान हुआ तो इसके पीछे की वजहों पर भी चर्चा होने लगी। पार्टी में लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में ऊंचा कद है, ओबीसी चेहरा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता होने के अलावा महिला वोटर्स के बीच लोकप्रियता भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक कारण बताई गई। शिवराज और मोहन यादव के बीच दो बातें काफी कॉमन नजर आई। दोनों ही ओबीसी चेहरे हैं और साथ ही महिलाओं के बीच काफी प्रचलित भी रहे हैं। मोहन यादव पिछले 10 सालों से अपने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में महिलाओं से राखी बंधवाते हैं। क्षेत्र की 20,000 महिलाएं उन्हें राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के पहले से राखी बांधने का सिलसिला शुरू होता है और त्योहार के बाद तक ये जारी रहता है। बताया जाता है कि 10 साल पहले जब मोहन यादव दूसरी बार विधायक चुने गए थे तो उज्जैन को बागपुरा और गोपालपुरा इलाके में महिलाओं ने तिलक लगाकर मोहन यादव को राखी बांधी थी। उस समय रक्षाबंधन नहीं था, फिर भी 1,000 महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी थी और आज उन्हें राखी बांधने वाली बहनों की ये संख्या 20,000 पहुंच गई है। मोहन यादव भी राखी बनवाने के बाद क्षेत्र में बहनों को गिफ्ट देते हैं। वही मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन ने भी मोहन यादव को राखी बांधी थी। मोहन यादव की खुद की दो बहनें हैं। एक बहन का नाम ग्यारसी बाई है जबकि दूसरी बहन का नाम कलावती यादव है। उनके दो भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव हैं। मोहन यादव अपने भाई के परिवार और बड़ी बहन कलावती यादव के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। कलावती यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं और उज्जैन के अलग अलग इलाकों में 6 बार उन्होंने पार्षद का चुनाव भी जीता है। इस समय कलावती यादव उज्जैन में नगर निगम अध्यक्ष है। इसके अलावा मोहन यादव के परिवार में उनकी पत्नी, बड़ा बेटा और एक बेटी आकांक्षा यादव भी है। छोटा बेटा वैभव यादव भी है। ऐसे में एमपी में शिवराज मामा के बाद मोहन यादव के रूप में जूनियर मामा मिल गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।